हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निक्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं, कोई सा भी आपके पास टीवी है उसका क्या कॉन्फ़िगरेशन है, सिस्टम में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है उसको जानने के लिए आपको टीवी के सेटिंग में आना पड़ेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, ये Xiaomi टीवी X Pro है, गूगल टीवी है। आपको सेटिंग में आके यहाँ पर सिस्टम पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको एसेसिबिलिटी है और यहाँ पर आपको अबाउट देखने को मिल जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, अबाउट में आपको यहाँ पे सिस्टम अपडेट करने के लिए है। अगर आपका सिस्टम अपडेटेड नहीं है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, और अगर अपडेट अवेलेबल है तो यहाँ से आप अपडेट भी कर सकते हैं। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, ये अभी चेक कर रहा है और ये सिस्टम इज अप टू डेट, तो यहाँ पे अपडेट करने का ज़रूरत नहीं है। आप बैक आ जाइए, यहाँ पे डिवाइस नेम है, जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे नेम है MITBM OOR0। तो फ्रेंड्स, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। आप टीवी रख सकते हैं, मास्टर बेडरूम टीवी रख सकते हैं, जो भी आप रखना चाहते हैं, और यहाँ से आप इंटर कस्टम नेम भी कर सकते हैं। तो खैर, हमें अभी चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से आप टीवी को रीसेट भी कर सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। उसके बाद स्टेटस आप देख सकते हैं, आईपी एड्रेस, डिवाइस मैक एड्रेस, इथरनेट मैक एड्रेस, ब्लूटूथ एड्रेस, सीरियल नंबर और अप टाइम। उसके बाद आपको मॉडल, जैसे कि आप वहां पे देख पा रहे थे, मॉडल यहां पे देखने को मिल रहा है। एंड्रॉयड टीवी ओएस वर्जन 11 पे चल रहा है। एंड्रॉयड टीवी ओएस सिक्योरिटी पैच लेवल 5 अगस्त 2023 का ही है। कर्नल वर्जन यहाँ पर आपको शो हो रहा है। एंड्रॉयड टीवी ओएस बिल्ड है, यहाँ पे आप 6-7 बार आप क्लिक करेंगे तो यू आर ए नाउ ए डेवलपर, यहाँ से आप डेवलपर ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। जनरली टीवी में बिल्ड ऑप्शन रहता है, यहाँ पे एंड्रॉयड टीवी ओएस बिल्ड है और नेटफ्लिक्स का यहाँ पे वर्जन दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ से आप डेट एंड टाइम चेंज कर सकते हैं, सेट टाइम जोन कर सकते हैं, यूज 24 आवर फॉर्मेट भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है तो। ऑटोमेटिक डेट एंड टाइम यूज नेटवर्क प्रोवाइडेड टाइम, तो अगर इसको आप ऑफ कर देंगे तो टीवी वगैरह ऑफ होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो नेटवर्क प्रोवाइडेड टाइम ही आप रहने दीजिए। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं, काफ़ी सारे लैंग्वेज है जो आपको प्रिफ्रेंस है वो आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर दीजिए। यहाँ पे आप कीबोर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, करंट कीबोर्ड, यहाँ पे आपको जीबोर्ड शो हो रहा है, यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। वर्चुअल रिमोट कीबोर्ड भी आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टोरेज देखने को मिल जाता है, आपके टीवी में कितना स्टोरेज बचा हुआ है, कितना यूज़ हुआ है, क्या हुआ है, सब यहाँ पे डाटा अवेलेबल है। तो ऐप में 2.3 GB फोटो वीडियो ऑडियो डाउनलोड कैच डाटा, यहाँ पर यहाँ से आप कैश डाटा करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। अवेलेबल आपको 10 GB अभी है आपके टीवी में। एम्बियंट मोड आप देख सकते हैं, गूगल फोटो, आर्ट गैलरी, एक्सपेरिमेंटल, वेदर, टाइम, पर्सनल फोटो डाटा, पोर्ट्रेट फोटो, गूगल पर्सनल फोटो क्यूरेशन, लाइट शो स्पीड, यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हैं। पावर एंड एनर्जी, यहाँ पे आप एनर्जी सेवर भी कर सकते हैं। टर्न ऑफ डिस्प्ले, यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं कि डिस्प्ले कब जो है टर्न ऑफ हो जाए। अगर मान लीजिए आप टीवी देखते देखते सो जाते हैं तो ऑटोमेटिक टर्न ऑफ हो जाएगा इसका डिस्प्ले और एनर्जी आपको सेव होगा। यहाँ पे पावर का भी ऑप्शन है, स्लीप टाइमर, पिक्चर ऑफ, उसके बाद टीवी स्टैंड बाय लाइट, ये सब आप सेट कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे इसमें फीचर हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जैसा कि बिल्ड ऑप्शन में हमने क्लिक किया था तो यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो गया है। यहाँ से आप कास्ट कर सकते हैं, सिस्टम साउंड ऑन ऑफ कर सकते हैं, टीवी मोड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं होम है, और स्टोर मोड, दोनों मोड आप सेट कर सकते हैं। यहाँ से आप रिस्टार्ट कर सकते हैं। तो देख पा रहे हैं फ्रेंड, सिस्टम में आपको काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाता है, और एसेसिबिलिटी में आपको कैप्शन आपको देखने को मिलता है, वाइट ऑन ब्लैक, ब्लैक ऑन वाइट, येलो ऑन ब्लैक, जो भी आप पसंद करते हैं आप यहाँ पे कर सकते हैं। हाई कंट्रास्ट टेक्स्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से हाई कंट्रास्ट टेक्स्ट कर सकते हैं, जो भी टेक्स्ट है वो काफ़ी उभरे हुए दिखाई देंगे
और दूर तक दिखाई देंगे। आई थिंक फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि आपको सिस्टम में क्या क्या सेटिंग है और क्या क्या आप कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ टेक एन इन्वेस्टमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक शेयर जरूर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो, तब तक लिए बाय।